हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स एंड फोमेनिया। सो गाइस आज की हमारी वीडियो है प्रॉब्लम्स ऑफ अ सेंट बर्नार्ड डॉग ब्रीड, जो कि एक ह्यूज डॉग ब्रीड है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है सेंट बर्नार्ड के साथ, दैट इज वेदर प्रॉब्लम। अगर आप इंडिया या एशियन कंट्री, इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपके लिए सेंट बर्नार्ड को रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि सेंट बर्नार्ड एक स्विट्जरलैंड की डॉग ब्रीड है, जो कि सर्दियों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों के वेदर को ही अडॉप्ट करते हैं। गर्मियों में इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इंडिया पाकिस्तान एशियन कंट्रीज़ के अंदर गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और लोगों के पास इतना बजट नहीं होता कि उनको एसी में रख सके। सो गाइस अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप उनको एसी वाला माहौल दे सकें, तो आई रिकमेंड यू, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सेंट बर्नार्ड ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सपायर हो जाए आपके पास। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो गाइज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेंट बर्नार्ड की कि वेदर बहुत इजीली अडॉप्ट नहीं करता, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज। सो गाइस जो सेकंड कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ लो स्पेस। सेंट बर्नार्ड को आप छोटी जगह पे नहीं रख सकते। अगर आपका घर एक मीडियम टू स्मॉल साइज़ का घर है, तो सेंट बर्नार्ड आपके घर में नहीं रह सकता। सेंट बर्नार्ड को रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए, जहाँ पे वो खेल सके, भाग सके, दौड़ सके, क्योंकि वो एक ह्यूज साइज डॉग ब्रीड है, तो उसको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जब वो चलता फिरता है, तो उसको जगह बड़ी चाहिए होती है। सो गाइस अगर आपके पास जगह कम है, आपके पास छोटी जगह है, तो आई रिकमेंड यू, आप छोटा डॉग लें एज़ कम्पेयर टू सेंट बर्नार्ड। सेंट बर्नार्ड एक ह्यूज डॉग ब्रीड है, जिसको घूमने फिरने के लिए बड़ी जगह चाहिए। सो गाइस जो थर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज शेडिंग प्रॉब्लम। सेंट बर्नार्ड एक ह्यूज साइज डॉग ब्रीड है, जिसका कोट काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी हैवी फर का डॉग है। इसी वजह से सेंट बर्नार्ड को इजीली आप अपने घर में नहीं रख सकते। उसका रीज़न ये है, मैंने शुरू में ही आपको मेंशन कर दिया कि आपको उसके लिए बड़ी जगह चाहिए। बड़ी जगह का मकसद यही था कि सेंट बर्नार्ड शेडिंग सीजन में बहुत ज़्यादा शेडिंग करता है, और अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको अपने घर में डॉग के बाल नहीं पसंद, अगर आप चाहते हो कि बेड पे बाल ना नजर आए, काउच पे बाल ना नजर आए, या आपको फ्लोर पे ज़्यादा डॉग के बाल ना नजर आए, तो सेंट बर्नार्ड इज़ नॉट द ब्रीड फॉर यू। उसका रीज़न ये है, शेडिंग सीजन में सेंट बर्नार्ड बहुत ज़्यादा शेडिंग करता है बालों की, और नॉर्मल सीजन में भी शेडिंग करता रहता है, क्योंकि इसका जो कोट है वो काफ़ी हैवी होता है, हैवी कोट का डॉग है ये, तो शेडिंग ये ओवरऑल पूरा ईयर करता रहता है। सो गाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट है, देन दिस ब्रीड इज़ नॉट द ब्रीड फॉर यू। जो चौथी प्रॉब्लम है, दैट इज़ सेंट बर्नार्ड नीड वॉक एंड एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। अगर आप ये सोचते हो कि यार ये ब्रीड जो है, मैं उसको वॉक नहीं कराऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे ही घर में रहेगा और घर में एडजस्ट कर जाएगा, बेशक वो घर में आपके एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है उसमें बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप उसको डेली एक्सरसाइज और वॉक नहीं करवा रहे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो उसको लेके, क्योंकि उसको जब बीमारियां होंगी, आपको उसको बार बार वेट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों से आप बचे रहो, तो आप उसको स्टार्टिंग से ही वॉक करवाओ, एक्सरसाइज कराओ डेली। 30 मिनट्स की वॉक और एक्सरसाइज फॉर अ सेंट बर्नार्ड इज़ वेरी नेसेसरी, आपको कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने इसको प्रॉब्लम्स में इसलिए हाईलाइट किया है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लोग ऐसा नहीं करते, शुरू में जोश में ले लेते हैं, लेकिन बाद में जानवर को ऐसे ही कोने में रख देते हैं, और उसके बाद वो बीमार हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे उसको फ्रस्ट्रेट होकर किसी को दे देते हैं या सेल कर देते हैं। तो अगर आप उसको डेली वॉक और एक्सरसाइज करा सकते हो, देन इट्स गुड, अगर नहीं तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो गाइस जो पांचवी प्रॉब्लम है, दैट इज़ द लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने हाईलाइट किया सेंट बर्नार्ड के अंदर, दैट इज़ ड्रूलिंग प्रॉब्लम। सेंट बर्नार्ड हद से ज़्यादा ड्रूल करता है, और ये चीज़ अगर आपको नहीं पसंद, अगर आपको कुत्ते का थूक नहीं पसंद आपके घर में, आपके फ्लोर पे बार बार गिरे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देन सेंट बर्नार्ड इज़ नॉट द ब्रीड फॉर यू। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज विद द सेंट बर्नार्ड। उसका रीज़न ये है कि भाई इसके सेंट बर्नार्ड हद से ज़्यादा ड्रूलिंग करता है, हद से ज़्यादा इसके मुंह से थूक गिरता है, खाना खाते हुए भी गिरेगा, नॉर्मली अगर बैठेगा, गर्मी ज़्यादा है तो भी ड्रूलिंग करता रहेगा, अगर पानी पी रहा है फिर भी ड्रूलिंग करेगा, अगर नॉर्मल बैठा हुआ है तब भी ड्रूलिंग करेगा, इसका थूक इसके मुंह से गिरता ही रहेगा, क्योंकि एक हैवी साइज डॉग ब्रीड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा इसका सलाइवा होता है, तो वो बाहर गिरता रहेगा उसके मुँह से। तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये चीज़ डॉग्स में पाई जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं पसंद करते, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो गाइस दीज वर सम कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ अ सेंट बर्नार्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल।